देखो जे एडवांस के थ्रू आपको आईआईटीज मिलते हैं, टॉप के 10-12 आईआईटीज के बाद आई डोंट थिंक सारे आईआईटीज उतने ज्यादा वैल्यूएबल है। उससे अच्छा टॉप के एनआईटीज, टॉप के ट्रिपल आईआईटीज या फिर जो सीएफटीएस की मैंने बात की वो उनसे ज्यादा बेटर है। ऑन द अदर हैंड उनसे अच्छे तो बिट्स प्लानिंग, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद ये सब भी है। और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं। यार एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। तो कल यार बहुत लोग बोल रहे थे कि मोटिवेट अच्छा करते हो, तब से सोचो कि यार रोज एक एक मोटिवेशनल वीडियो आप सबसे तो लाइक देंगे, ठीक है। तो आज आपको मोटिवेट करने वाला हूँ जेई मेन के प्रति, ठीक है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि यार हमारे पास जे एडवांस भी है, जे एडवांस फोड़ देंगे, जेई मेन में फोड़ देंगे, क्या मिलता है, एनआईटी तो मिलता है। आज आपको जेई मेन की इंपॉर्टेंस बताता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, अगर जे एडवांस में अच्छा करना है, कम से कम जेई मेन में अच्छा करोगे तो उसी कॉन्फिडेंस को डिराइव करके जेई एडवांस में यूज कर सकोगे। अब सोचो आपकी जेई मेन में परसेंटाइल है 95 और आप जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हो उस दिन आपको कोई बंदा दिख गया जिसके परसेंटाइल है 99.9, कॉन्फिडेंस तो इतना ही गिर जाएगा ना, आपके दिमाग में फ्लैशबैक होना चालू हो जाएगा, अरे यार 3 महीने बाद तो बंदा आईआईटी में रहेगा, पता नहीं मैं कहाँ रहूंगा। ऐसी ऐसी चीजें फ्लैशबैक होती है आपके दिमाग में, ये साइकोलॉजिकल है, ठीक है। आप सोच रहे मैं कितनी गंदी बातें कर रहा हूँ, ऐसा इतना नेगेटिव कौन सोचता है, बट ये ऑन द डे ऑफ जे एडवांस आपके साथ होगा। सो दिस इज वन थिंग आपको दिमाग में रखना है कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई मेन में स्कोर करना, और जेई मेन में आप जो कॉन्फिडेंस डिराइव करोगे उसको अप्लाई करना है जेई एडवांस्ड में। देखो कॉन्फिडेंस बहुत कुत्ती चीज होती है, ठीक है, आपके पास है आप बहुत फायदा उठाओगे, कॉन्फिडेंस से आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है फिर तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जितना भी पढ़ लो आप उस दिन अप्लाई नहीं कर पाओगे, अपने दोस्तों को देख के डिमोटिवेट हो गई। सो दिस इज वन थिंग आपको जेई मेन में अच्छा करना ही है, जेई मेन में अच्छा करोगे तब जाके जे एडवांस में उस चीज को अप्लाई कर पाओगे। अब देखो कितने लोग मेन्स देते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख लोग, हाँ उसमें से आईआईटी कितने लाख लोग जाते हैं बताओ बताओ, ढंग के आईआईटी में ढंग के ब्रांच लेके आई टेल यू 0.05 लाख लोग जाते हैं, यानी कि 5,000 लोग। 10 लाख लोग दे रहे हैं, 5,000 लोग ढंग का कॉलेज में, ढंग का ब्रांच है आईआईटी में। अब देखो कितने परसेंट लोगों की ना ख्वाहिशें पूरी होती है, दिस इज अ वेरी सिंपल मैथमेटिकल थिंग, यानी कि आपको कितना लकी होना पड़ेगा आईआईटी में पढ़ने के लिए। और उसी तरफ ये जे एडवांस का कन्वर्जन रेट है, ठीक है। अगर आप जेई मेन में देखो, जेई मेन में आपके 10 लाख लोग दे रहे हैं, अगर आपको आईआईटी नहीं मिला कोई बात नहीं, एनआईटी तो आपको 50-60 हजार तक भी मिल जाती है अगर आपकी रैंक उतनी है तो। उसके बाद छोड़ो ट्रिपल आईआईटी से कट ऑफ तो और नीचे तक जाती है, और सीएफटीआईस भी है, सीएफटीआई यानी सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, आईआईएसटी शिवपुर ब्रांडेड इंस्टीट्यूट, बीआईटी मेसरा ब्रांडेड इंस्टीट्यूट, ऐसे इंस्टीट्यूट अगर पढ़ लोगे ना आपका टैग बहुत अच्छे से वैलिडेट हो जाएगा। देखो आईआईटी भिलाई नया आईआईटी है, कोई इज्जत है क्या, कुछ नहीं है। बीआईटी मेसरा आईआईएसटी शिवपुर ये सब में प्लेसमेंट ज्यादा अच्छे होते हैं, ये सब का टैग ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू नए आईआईटीज। देयरफॉर आई से जेई मेंस की वैल्यू जे एडवांस से ज्यादा होनी चाहिए। देखो जे एडवांस के थ्रू आपको आईआईटीज मिलते हैं, टॉप के 10-12 आईआईटीज के बाद आई डोंट थिंक सारे आईआईटीज उतने ज्यादा वैल्यूएबल है। उससे अच्छा टॉप के एनआईटीज, टॉप के ट्रिपल आईआईटीज या फिर जो सीएफटीएस की मैंने बात की वो उनसे ज्यादा बेटर है। ऑन द अदर हैंड उनसे अच्छे तो बिट्स प्लानिंग, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद ये सब भी है। सो दिस इज वन थिंग आपको दिमाग में रखना है कि आप जब तक जेई मेन में अच्छा स्कोर नहीं करोगे, बिट्स एट जे एडवांस ये सब में आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको उन दिनों। ओके सो इस चीज को अच्छे से दिमाग में लाओ कि आपके लिए जेई मेन डू और डाई सिचुएशन में आ गया है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने जेई मेन के पहले एग्जामिनेशन में उनका परसेंटाइल आया कुछ 60%, 50%, 70%, 80%, क्या आप डिमोटिवेट क्यों हो रहे हो, आप दिमाग से निकाल दो उसको। सोचो कि आप 2017 2018 पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास सिर्फ एक ही मौका है जेई मेन देने का, आपने अभी तक कुछ दिया ही नहीं, आप अभी दोगे जेई मेन बैठ के, ऐसे सोचना है आपको। आप जब तक ऐसे नहीं सोचोगे ना अपने अंदर से मोटिवेशन नहीं ड्राइव कर पाओगे। सो दिस इज वन थिंग जो आपको दिमाग में रखना है कि जेई मेन की वैल्यू इतनी है। अगर आप सोचते हो कि आईआईटी ही सिर्फ अच्छा है, कभी एनआईटी तिरुचि आओ, कभी एनआईटी वारंगल आओ, कभी ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद जाओ, ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद समझते हो एवरेज पैकेज वहां 20 लाख के ऊपर है, ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद का सीएसई और आईआईटी बॉम्बे का सीएसई ऑन पार माना जाता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे यार वहां पे तो टॉप के 60 लोग जाते हैं आईआईटी बॉम्बे में, लेकिन ट्रिपल आईआईटी तो 1,000 तक भी मिल जाता है यार। लेकिन जो वहां का जो कोडिंग कल्चर है, वहां का जो एटमोसफियर है, ऐसा एटमोसफियर आपको आईआईटी बॉम्बे के सीएसई में मिल पाएगा, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे के सीएसई में आपको सिर्फ और सिर्फ नर्ड लोग मिलेंगे, ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद में ऐसा नहीं होगा, इतना
वहाँ पे रिगरस आपको ट्रेन किया जाएगा ना कि आप एकदम इतने बढ़िया कोडर बनोगे जितना आप अच्छे आईटी बॉम्बे में भी नहीं बन सकते हो. सो दैट इज वाई देर इज अ क्लियर कट अप्रोच की जेई मेन्स इज फार फार मोर इम्पोर्टेंट देन जेड वन बिकॉज इट हैज अ वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एनआईटीज ट्रिपल आईटीज एंड सीएफटीआईज. ऑब्वियसली एनआईटीज ट्रिपल आईटीज एंड सीएफटीआईज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 टू 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रेप्यूटेड आईआईटीज. रेप्यूटेड आईआईटीज में सीट्स कम होती है और रेप्यूटेड आईआईटीज काफी ज्यादा कम होते हैं. मेरे लिए यही सबसे बेस्ट अप्रोच है कि जेईई मेन फोड़ दो, ढंग की एनआईटी, ढंग की ट्रिपल आईआईटी, ढंग की सीएफटीआई में ढंग का ब्रांच लेके पढ़ाई करो, मस्त सा प्लेसमेंट लेके निकल जाओ, रोने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जितने भी लोग भी सोच रहे हो ना जेईई मेन क्या है, जेईई एडवांस में सीधा फोड़ेंगे, नहीं होता है ऐसा. एडवांटेज तभी मिलेगा आपको जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा. कॉन्फिडेंस ड्राइव करने के लिए कौन सा एग्जामिनेशन आपके पास, जेईई मेन. ओके, जेईई मेन का कॉन्फिडेंस आप बिटसेट में भी अप्लाई कर सकते हो, जेईई मेन का कॉन्फिडेंस आप जेईई एडवांस में भी अप्लाई कर सकते हो. सो दिस इज वन थिंग जो आपको दिमाग में रखना है कि ऐसे मोटिवेट होकर पढ़ाई करो यार, ये आपका आखिरी एग्जामिनेशन, एक बार पढ़ाई नहीं करनी है, ऐसे पढ़ाई करो. मैं भी देखता हूँ कैसे आपका स्कोर एकदम 99% के ऊपर नहीं आता है. ओके, तो समय आ गया आप सब सलाह लेने का. अलविदा.